इस वीडियो में आपको बताऊंगा द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें आपके जो नंबर आएंगे वो ऐसे आएंगे, एक नंबर या फिर दो नंबर या फिर तीन नंबर का द्वंद्व ज्ञात करना, तीन संख्या आए उनका द्वंद्व ज्ञात करना, या चार संख्या आ जाए या पाँच संख्या आ जाए या फिर छः संख्याएँ आ जाए, एक है तीन है या पाँच है, उसमें क्या होता है जो एक संख्या होती है जो बीच वाली सेंटर वाली उसका तो करते हैं हम स्क्वायर, इसमें भी इसका करेंगे स्क्वायर, उसमें भी इसका करेंगे स्क्वायर, जो नंबर सेंटर में होता है उसका हमेशा करना होता है स्क्वायर, और जो आसपास के नंबर है उनको मल्टीप्लाई करना होता है टू से। ये जो नंबर है अगर दो नंबर हो तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे टू से, यहाँ भी आगे वाले को आगे से मतलब ऐसे करना है, इधर से फर्स्ट उधर से फर्स्ट, फिर इधर से सेकंड उधर से सेकंड, पाँच भी करना है, इसको गुणा करना है इसके साथ और साथ में दो से गुणा करना है, इसको गुणा करना है इसके साथ दो से गुणा करना है, संख्या छः छः हो जाए तो इसके साथ ये गुणा करेंगे और दो से गुणा करेंगे, इन दोनों गुणा करेंगे दो से और इन दोनों को भी गुणा करेंगे दो से। तो ये ध्यान रहना है कि अगर संख्या एक है संख्या तीन है और पाँच है तो बीच वाले का करेंगे स्क्वायर और फर्स्ट का इधर से फर्स्ट उधर से फर्स्ट, इधर से सेकंड उधर सेकंड का मल्टीप्लाई करेंगे दो के साथ। जैसे कोई नंबर लेते हैं हम, जैसे मुझे करना है 38 का स्क्वायर याद करना है, यहाँ का लिखेंगे हम तीन का द्वंद्व, एक दिन ऐसा लिखते ना आप द्वंद ऑफ थ्री, हिंदी वाले से लिखे तीन का द्वंद, पहले लेंगे तीन फिर दोनों नंबर लेंगे, फिर लेंगे हम 38 का द्वंद और फिर लेंगे हम 8 का द्वंद, द्वंद ऑफ थ्री द्वंद ऑफ 38 द्वंद ऑफ 8, यहाँ तो है सम संख्या है इवन नंबर है दो संख्या है और यहाँ पे एक ही संख्या है, एक ही संख्या हो तो उसको क्या करते हैं हम स्क्वायर करते हैं, अगर संख्या दो हो क्या करते हैं उन दोनों को दो से गुणा करते हैं, दो इंटू तीन इंटू आठ, आठ आठी चौसठ, आठ या चौबीस चौबीस गुणा अड़तालीस और तीन त्या कितना हो गया आपके नौ, ये हो गया चार और ये हो गया है आपके छः, इधर चला जाएगा चौपन का चार यहाँ पर पाँच आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा आपके चौवालीस, ऐसे करना है। आपको इसका द्वंद निकालना है क्या करेंगे हम द्वंद ऑफ वन द्वंद ऑफ 14 द्वंद ऑफ 143 द्वंद ऑफ 43 और द्वंद ऑफ 3। अब करना क्या है, पहले आएगा वन फिर आएगा दोनों नंबर फिर आएंगे तीनों नंबर, पहले एक फिर एक चार फिर एक चार तीन फिर चार तीन और फिर तीन, ऐसे लिखना है। अब जहाँ जहाँ सिंगल नंबर है वहाँ स्क्वायर करेंगे, यहाँ सिंगल नंबर है स्क्वायर करेंगे, और जहाँ पर आपके तीन नंबर है एक और तीन पहले कर देते हैं, जहाँ नंबर तीन है वहाँ हमेशा क्या होता है बीच वाले नंबर का क्या होता है हमेशा स्क्वायर होता है और बाकी नंबर बचे हैं दो दो। अब यहाँ ये दोनों बचे हैं दोनों को गुणा करेंगे दो से, यहाँ दो नंबर है दोनों को गुणा करेंगे दो से, और यहाँ भी दो नंबर है क्योंकि जो सेंटर का नंबर होता है उसका स्क्वायर करना होता है, हमेशा सेंटर में स्क्वायर आ गया पीछे बचे ये दो नंबर तो दोनों किससे गुणा करेंगे हम दो से गुणा कर लेंगे, इसको अलग सॉल्व करना है इसको अलग सॉल्व करना है बाद में ऐड कर लेना, ये होता है वन ये होता है चार दूनी आठ ये होता है आपके सोलह और ये है आपके छः, सोलह छः हो गए आपके बाईस, चार दूनी आठ आठ या चौबीस और वो हो गए हैं आपके नौ, पहले आएगा नौ फिर आएगा चार ये तो आगे चला जाएगा ये हो जाएगा आपके चौबीस, चौबीस का चार यहाँ पर ये तो आगे जाएगा ये हो जाएगा दस, दस का जीरो यहाँ पर एक आगे आ जाएगा ये हो जाएगा आपके 20,450 हो जाएगा। अब है आपके चार संख्याओं का द्वंद निकालना, यह आएगा आपके द्वंद ऑफ थ्री, पहले ये नंबर फिर दोनों नंबर, द्वंद ऑफ 34 द्वंद ऑफ 347
द्वंद ऑफ 3474, द्वंद ऑफ 474, द्वंद ऑफ 74, द्वंद ऑफ 4। पहले ही आएगा एक नंबर, फिर दोनों नंबर, फिर तीनों नंबर, फिर चारों नंबर, फिर इधर से स्टार्ट करना है, 3 2 1 वापस आना नीचे। तो आपको पहले 3 लेंगे, फिर दोनों लेंगे, ऐसे लिखना आपको आना चाहिए। अब जहाँ जहाँ एक है, देखो यहाँ पर एक नंबर है, यहाँ पर 3 नंबर है, ये रहा 3 नंबर और ये एक, पहले इनको कर लेते हैं। 3 का हो जाएगा 3 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके करना क्या है, ये रहा यहाँ आपके 3 नंबर है, ये यहाँ लिखते हैं, यहाँ 3 नंबर है, बीच के नंबर का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ भी 3 नंबर है, बीच के नंबर का स्क्वायर कर देंगे। अब बचे 2 नंबर, पहले 2 नंबर ये बचे हैं, तो दोनों को 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ भी 2 नंबर बचे हैं, बीच वाला मैंने यहाँ ले लिया है, आसपास के नंबर ही लेने हैं हमेशा। तो ये दोनों बचे हैं, दोनों को गुणा कर देंगे हम 3 और 7 से, बीच में कर देना प्लस। यहाँ 4 नंबर है, तो एक पहला इधर से पहला और उधर से पहला, दोनों लेने हैं 2 के साथ प्लस, दोनों बीच वाले नंबर लेने हैं 2 के साथ। अब इधर और इधर दोनों नंबर लेने हैं, 2 × 4 × 4 प्लस, ये आ गया आपके 7 हो गया, ये नंबर आया आ गया आपके आस पास नंबर बचा था। यहाँ पर 2 नंबर है, तो दोनों किससे गुणा करेंगे, 7 × 4, इस गुणा भाग कर लिया। अब गुणा भाग आपसे आना चाहिए, पहला 9, 2 × 3 = 6, 6 = 24, 2 × 3 = 6, 6 = 42 और ये हो गया 16। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये आता है आपके 58, ये होता है आपके 12 और ये होता है 28 × 56, टोटल कर लेंगे तो वो होता है आपके 68, फिर ये होता है आपके 4 × 16 = 32 और ये होता है 49। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 9 × 2 = 11, 4 × 3 = 7 और 1 = 8, फिर 7 × 28 = 56 और लास्ट में हो गया है आपके 16। पहले आएगा 6, ये आगे जाएगा तो हो जाएगा 57, 57 का 7 यहाँ पर, 5 आगे जाएगा ये हो जाएगा 86, 6 यहाँ पर, 8 आगे जाएगा ये हो जाएगा आपके 76 का 6 यहाँ पर, 7 आगे जाएगा ये हो जाएगा आपके 65 का 5 यहाँ पर, 6 आगे जाएगा ये हो जाएगा 30, 30 का 0 यहाँ पर, 3 आगे जाएगा ये हो जाएगा आपके 12। ऐसे करना है 4 संख्याओं का होत। अब 5 संख्या होत कैसे करते हैं, पहले लेंगे हम द्वंद ऑफ 1, द्वंद ऑफ 12, द्वंद ऑफ 123, फिर द्वंद ऑफ 1 2 3 4, फिर द्वंद ऑफ 1 2 3 4 5, फिर द्वंद ऑफ 2 3 4 5, फिर द्वंद ऑफ 3 4 5, फिर द्वंद ऑफ 45, फिर द्वंद ऑफ 5। पहले ये 2, फिर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, फिर पीछे वाले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे करना है। अब क्या करना है, एक नंबर हो तो उसी का स्क्वायर, 2 नंबर हो तो 2 से गुणा करना है, दोनों को 2 से गुणा करेंगे। 3 नंबर हो तो आसपास के नंबरों को तो गुणा करेंगे 2 से और बीच वाला नंबर कर देंगे स्क्वायर। 4 नंबर है तो आसपास के नंबरों को गुणा करेंगे हम 2 से, बीच में भी यही करना है, बीच में 2 नंबर है उसको गुणा करेंगे हम 2 और 3 से। फिर यहाँ पर आपके बीच में एक नंबर रह गया, आसपास नंबर मल्टीप्लाई करना है, 2 को गुणा करेंगे हम 1 और 5 से प्लस 2 को गुणा करेंगे हम 2 से और 4 से और प्लस बीच के नंबर का स्क्वायर। यहाँ 4 नंबर है तो ये और ये 2 को गुणा करेंगे 2 और 5 से प्लस 2 को गुणा करेंगे 3 और 4 से, फिर 2 को गुणा करेंगे दोनों नंबरों से, 3 से भी करेंगे और 5 से भी करेंगे और प्लस 4 का स्क्वायर। ये आगे इसका, अब इसका करेंगे तो 2 × 4 × 5 और लास्ट में आएगा आपके 5 का स्क्वायर। सिंगल नंबर को स्क्वायर करना है, बीच वाला नंबर को स्क्वायर करना होता है। ये हो गया है 1, ये हो गया है 4,
ये हो गया 5 और 4 9, ये हो गया 4 दूनी 8 और ये हो गया 12, टोटल 20, 5 दूनी 10 और ये तो हो गया 10 और ये हो गया है आपके 4 चौक 16 और ये हो गया है 9, थोड़ा 9 25 10 कितने हो गए हैं 35, ये हो गए हैं आपके 20 और ये हो गए हैं आपके 24, टोटल हो गए हैं आपके 44, फिर ये हो गए हैं आपके 5 या 15 30 30 और 16 46, 5 और 20 गुणा हो गए आपके 40 और 55 25, 5 यहाँ पर 2 आगे, 2 यहाँ पर 4 आगे, 0 यहाँ पर 5 आगे, जोड़ेंगे तो 9 आगे यहाँ पर 4 आगे, जोड़ेंगे तो 9 यहाँ पर 3 आगे, 3 यहाँ पर और 2 आगे, 11 हुआ तो 1 यहाँ पर 1 आगे, तो 1 आएगा और 5 आएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।